से कच्चे रास्ते बदल रहे हैं और यहाँ पर रोड है ही नहीं भाई। और मंगोलिया में कच्चे रास्ते किस टाइप के होते हैं अगर मान लो? गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। प्लेस गोबी अल्ताई और आज मैं निकल रहा हूँ मंगोलिया के कैपिटल उलानबाटार के लिए, लेकिन आज मैं हिच हाइकिंग नहीं करने वाला। ऑलरेडी मैं थका हूँ, मेरे कमर में भी दर्द हो रहा है और वीडियो एडिटिंग भी कर ली है, तो थोड़ा मुझे जल्दी पहुँचना है उलानबाटार। अब दो दिन मैं रेस्ट लेने वाला हूँ उलानबाटार में। रेस्ट तो क्या काम करना है मुझे, जैसे एडिटिंग हो गया, बाकी सारे जितने भी काम बचे हुए हैं, और उसके बाद हम जाएंगे बहुत अच्छी जगह है, मेरे को उनके नाम याद नहीं है। उस जगह पर पहुंचने के बाद नाम मेरे को हमेशा याद रहने लग जाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत होती है नाम याद करने में। पहले मैं खाना खाने वाला हूं, लेकिन मंगोलिया में मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि मुझे मंगोलिया का खाना उतना पसंद नहीं है, और जो ठीक ठाक खाना जो मुझे पसंद है वो थोड़ा महंगा मिलता है। तो इसलिए मैंने क्या किया है, मैं सुपर मार्केट गया और सुपर मार्केट से मैंने ये नूडल्स परचेज कर लिए, रेडी टू ईट नूडल्स। इनके अंदर बस आपको पानी मिलाना है, ये अपने आप तैयार हो जाएंगे। अब जैसे ये आता है, ये हो गए तैयार, 40 रुपए का पड़ा ये नूडल, और साथ में मैंने एक जूस की बोतल खरीद ली थी। इनके अंदर बस आपको गर्म पानी मिलाना होता है, और ये अगर आप कैंपिंग के लिए भी जा रहे हो या फिर रोड कहीं पे भी जा रहे हो तो बहुत सही चीज है ये। रशिया में भी बहुत मिलती है, चाइना में भी बहुत मिलती है, और मंगोलिया में भी बहुत मिलती है। अपने इंडिया में इसका इतना चलन नहीं है, आज तक मेरे को किसी भी कंट्री के खाने में इतनी प्रॉब्लम नहीं आई है। मैंने यहाँ के घर का खाना भी देख लिया, मैंने यहाँ का होटल का भी खाना देख लिया, लेकिन पता नहीं यार, एक ट्रैवलर को ये बात बोलनी नहीं चाहिए क्योंकि खाना इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ट्रैवलिंग, बट फॉर मी मंगोलियन खाना इज नॉट गुड, मुझे बस पसंद नहीं आया यार। उलानबाटार ऑफ्टोबस अब मुझे जाना है क्या बस स्टैंड, वहां से फिर यूबी की बस पकड़नी है उलानबाटार, द कैपिटल ऑफ मंगोलिया। किस में वगजाल इन हाँ उलानबाटार वेयर देयर इन हाँ आते इन हाँ शगोस इधर चासन साता गए बाहर था। 3 बजे की बस बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जो बस का फेयर है वो है 50,000 तुगरिक। 50,000 तुगरिक हो गए लगभग 1300-1400 रुपए। Excuse me, वगजा? पाँचा, किन्हें साँचे तत्रुचुच? ना, किधर किधर आ? बैठला। लेकिन मंगोलिया के जो छोटे सिटीज के बस स्टैंड हैं वो ऐसे ही दिखते हैं, और मंगोलिया में उलानबाटार के अलावा कोई भी ज़्यादा बड़ी एकदम बड़ी सिटी है ही नहीं, तो नॉर्मली आप ये मान लीजिए लगभग मंगोलियन सिटीज के बस स्टैंड ऐसे ही दिखेंगे आपको। हेलो यूबी बस, तो बस हेलो यूबी बस उलानबाटार। टिकट ले लिया मैंने, लेकिन जो टिकट मिली है मुझे वो मिली है शाम के 6 बजे की, उससे पहले 11 बजे की बस है, 3 बजे की और 6 बजे की। उन बसेस के अंदर सीट नहीं थी, और जिस बस के अंदर मुझे अभी टिकट मिली है उसके अंदर भी सीट नहीं थी, लेकिन यहाँ पर एक लेडी बैठी थी, उन्होंने मुझे ब्लैक में टिकट दी है और उन्होंने मुझसे 3,000 तुगरिक एक्स्ट्रा लिए हैं। तो ये देखिए, जो टिकट का प्राइस है वो है 46,300। 50,000 में मुझे ये टिकट मिली है, और मैं ट्रैवल करूँगा जो मंगोलिया की गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट कंपनी है उसके थ्रू, सो इट्स गोना बी लाइक गवर्नमेंट बस। पिछले 14 दिनों से मंगोलिया में ट्रैवल कर रहा हूँ, लेकिन अब तक मैंने मंगोलिया का कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं किया था, चाहे वो बस हो चाहे वो ट्रेन हो। ट्रेन इस एरिया में तो है ही नहीं। मंगोलिया में जो ट्रेन है वो स्पेशली चाइना और रशिया को कनेक्ट करती है, जो आप ट्रांस साइबेरियन करते हो ना सेंट पीटर्सबर्ग से बीजिंग तक, वो मंगोलिया होते हुए निकलती है उलानबाटार। सोच तो रहा हूँ कि यार ट्रेन के थ्रू बॉर्डर क्रॉस करूँ, क्योंकि मैंने आज तक ट्रेन से बॉर्डर क्रॉस नहीं किया है। मैंने बस के अंदर बॉर्डर क्रॉस किया हुआ है, मैंने हिच हाइकिंग करके बॉर्डर क्रॉस किया हुआ है, फ्लाइट से तो मैं ऐसा करता ही हूँ, लेकिन ट्रेन के साथ मैंने आज तक नहीं किया। तो कोशिश करूँगा कि मैं मंगोलिया और चाइना का जो मैं बॉर्डर क्रॉस करूँ वो
बाय ट्रेन करूँ। बाकी बस है 6 बजे की और अभी टाइम हो रखा है 1.35 डेढ़ बजे, तो लगभग 4.5 घंटे पड़े हैं मेरे पास। तो मैं यही सोच रहा हूँ किसी कैफे में जाता हूँ, वहाँ पर बैठता हूँ, थोड़ा काम कर लूँगा और जो काउसर्फर है उनको भी रिक्वेस्ट भेज दूंगा। मंगोलिया में काउसर्फिंग ट्राई करने वाला हूँ मैं, बाकी कहीं तो मुझे मिले नहीं, लेकिन उलानबाटार में लगभग 100-150 काउसर्फर एक्टिव है, तो उनको रिक्वेस्ट भेजूंगा। होपफुली मंगोलिया का काउसर्फिंग एक्सपीरियंस भी देखूंगा आपको उलानबाटार। तो अभी भी मंगोलिया की काफ़ी अच्छी वीडियोज़ बाकी हैं, डोंट वरी। अब जा रहा हूँ मैं एक हॉस्टल या फिर कैफ़े में और उसके बाद लगभग 5:30 या 6 बजे मैं बस स्टैंड पर वापस आ जाऊँगा, क्योंकि 6 बजे की बस है। कई लोगों से मैंने सुना है कि ये रास्ता पूरी तरह बंद तो गया है, लेकिन कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर बस को भी कच्चे रास्ते में चलना पड़ता है। तो अब देखते हैं भाई क्या होता है, क्या नहीं, क्या स्टोरी रहती है, क्या सीन रहता है सब कुछ। लगेज इट्स एम्प्टी। थैंक यू। अभी सुपर मार्केट में आया हूँ, रास्ते में कुछ खाने के लिए चीज़ें। मंगोलिया के अंदर लगभग चीज़ें बाहर से इंपोर्टेड होती हैं, खासकर रशिया और चाइना से, और ये मुझे बहुत पसंद है भाई। ये देखिए वो नूडल्स हम आपको बता रहा था सुबह, ये सारे यहाँ पर दम 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 दम। और यहाँ पर भी रशिया की तरह जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर प्राइस मेंशन नहीं है। बाय 9000 तुगरिक, दो ये और एक 2 लीटर का जूस का पैकेट। यहाँ पर जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं उनकी हालत अपने इंडिया से भी बदतर है भाई। मंगोलिया के पब्लिक टॉयलेट्स, रशिया के छोटे शहरों में या फिर छोटे गांव में पब्लिक टॉयलेट्स, बहुत वाहियात। और बस स्टार्ट हो चुकी है, बस के अंदर का माहौल भाई अलग ही है। सब लोग सोच रहे हैं हाथ में क्या लेके बैठा है ये पागल सा बंदर। मुझे लगा था कि विंडो सीट मिल गई, लेकिन ना, विंडो सीट जो साइड वाले अंकल है इनकी थी, और बहुत ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो रही है। हर कोई मेरी तरफ देख रहा है कि भाई ये कर क्या रहा है बंदा। टाइम के पाबंद तो हैं भाई, एकदम सही टाइम पर निकल चुके हैं बस। आप इसे सेमी लग्जरी बस बोल सकते हो, सीट रिक्लाइनिंग है और एयर कंडीशन है। 1000 किलोमीटर के लिए 1236 रुपये मेरे को सही लगे यार, लेकिन मैंने 1236 रुपये नहीं दिए, मैंने 100 रुपये एक्स्ट्रा पे किया, क्योंकि इस बस के जो सारी टिकट थी वो ऑलरेडी फुल हो चुकी थी और मैंने ये टिकट ब्लैक में खरीदी है। ब्लैक अभी मेरे साथ में एक भाई बैठा है, उसके पास टिकट नहीं थी, तो उसने जो कंडक्टर उसको थोड़े बहुत एक्स्ट्रा रुपये देकर अब ऐसे नीचे बैठ के जाएगा ये उलानबाटार या फिर रास्ते में कहीं पर उतर जाएगा। और ये सबसे गंदा सीन है ना, आपको जो वियतनाम की बसेज है ना उनके अंदर मिलेगा भाई। वियतनाम की बसेज इतनी फनी हैं, खास करके जो नाइट स्लीपिंग बसेज होती हैं उनका तो कोई जवाब नहीं है भाई। एक तो 3-3 लाइनें होती हैं उनमें, 1, 2, 3 और सारी स्लीपिंग वाली, और जो बीच में आने जाने का रास्ता होता है वहाँ पर भी लोग सो रहे होते हैं। तो इस मामले में जो वियतनाम की बसेज हैं वो हद से ज्यादा नेक्स्ट लेवल है। सुलन बता। या छुट्टी फाइव एंटी सीरीज। अब भाई अभी यहाँ पर एक बच्चे ने मुझसे पूछा डू यू नो टी सीरीज। प्यूडीफाई और टी सीरीज वाला काफी लंबा चला है और हर जगह चला है। टॉयलेट ब्रेक के लिए रुकी थी बस अभी।
अभी बस एक कच्चे रास्ते पर चल रही है और यहाँ पर रोड है ही नहीं भाई। और मंगोलिया में कच्चे रास्ते किस टाइप के होते हैं? अगर मान लो आप उस डायरेक्शन में जा रहे हो तो लगभग एक साथ तीन रास्ते चल रहे होते हैं, जिस पे आपका मन करे उस पे आप चला लो, क्योंकि रोड तो है नहीं यहाँ पर अभी। मैंने अभी तक किसी भी कंट्री में इस टाइप की हालत नहीं देखी थी कि वहाँ पर रोड ही नहीं है, लेकिन मंगोलिया में ऐसा आपको बहुत जगह मिलेगा। चाहे आप थोड़े रिमोट एरियाज में चले जाइए, चाहे थोड़े आप ये मान लीजिए ये मंगोलिया का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट हाईवे है कि भाई जो ईस्टर्न मंगोलिया है और जो ईस्टर्न और जो वेस्टर्न मंगोलिया उसको जोड़ता ही है, और इस पर रोड है ही नहीं, रोड बन रहे हैं अभी। तो कई बार थोड़ा अजीब सा भी लगता है, कई बार फनी सा भी लगता है, क्योंकि यहाँ के आप छोटे से छोटे गांव में चले जाइए वहाँ पर आपको फुल नेटवर्क मिलेंगे, 4G नेटवर्क मिलेंगे, लेकिन इन टर्म्स ऑफ रोड्स एंड बिल्डिंग्स यानी जो कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है यहाँ पे। जी भी। अच्छा। भाई बस के अंदर जी भी चल रहा है यहाँ पर। भाई इतना फेमस कैसे हो गया है गाना, मेरे को आज तक समझ नहीं आया है। यहाँ पर आजा आजा नहीं बोलते, हाजा हाजा हाजा। भाई यार गजब माहौल है बस का, सच में जिमी चल रहा है यार। जिमी लोग यहाँ पर रेगुलर सुनते हैं, लोगों को पता होना एक अलग बात है, लेकिन अगर कोई गाना लोग रेगुलर सुनते हैं तो वो गाना सच में बहुत ज़्यादा फेमस हो उस कंट्री में। और ये यार सच में एक अलग टाइप की बात है। और देखो हम इस टाइप के रोडों पे चल रहे हैं, अभी रोड तो है ही नहीं, कच्चे रास्ते पे चल रहे हैं हम अभी, तो अलग टाइप का सीन बना हुआ है भाई ये। देखो तो भाई थोड़ी देर पहले मैं तो कॉन्ज्यूरिंग देख रहा था, तो इससे आगे जाने की हिम्मत नहीं हो रही है मेरी। अगर मान लो ये बस एकदम गायब हो जाए तो फट जाएगी ना मेरी भाई। सोच के मेरी आंखों में पानी आ रहा है। मैं कहूंगा यार कि आप आओ मंगोलिया, और मंगोलिया में आप हर चीज का एक्सपीरियंस लो, हर चीज का भाई, क्योंकि जिंदगी बार बार नहीं मिलनी है भाई। और देखो सेविंग भी करनी चाहिए, हर चीज करनी चाहिए, लेकिन स्टीव जॉब्स ने एक बात बोली थी कि हर दिन को ऐसे जियो कि भाई ये आपका आखिरी दिन हो, क्योंकि नहीं पता कि कल आपके साथ क्या हो जाएगा। सो एक ही लाइफ मिलती है भाई, एक सेकंड भी वापस नहीं मिलेगी आपको, एक सेकंड भी, जो चली गई वो चली गई बस, जो जी लिया वही आपका है, जो नहीं जिया वो बस बात ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। लगभग 400 किलोमीटर हो गए हैं और अभी भी वही कच्चा रास्ता चल रहा है, और कच्चा रास्ता अब पहले से और ज़्यादा बदतर हो गया है, ऊपर नीचे। आया जब बारिश, यहाँ पहुंचा जब बारिश, रास्ते में बारिश, हर टाइम बारिश 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 भाई, बहुत बारिश हो रही है। पहली बार मंगोलिया में एक साथ इतने लोग देखे हैं, नहीं आज तक एक साथ इतने लोग नहीं देखे थे मैंने। ये हो गया भाई सारा। नो थैंक यू। यहाँ का बस स्टैंड तो किसी कौशल फंड ने तो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की नहीं, हॉस्टल ढूंढते हैं फिर। मंगोलिया की पॉपुलेशन 35 लाख और कैपिटल की पॉपुलेशन 15 लाख, तो ऑलमोस्ट मंगोलिया की हाफ पॉपुलेशन उलन बतार में ही रहती है।
Vokzal. Автобус. Bertla. Автобус. Matlab public buses. उलनबटार का स्क्वायर और बारिश अभी भी हो रही है भाई. 500 तुगरिक लगे थे मेरे, 500 तुगरिक हो गए लगभग 10 रुपए. पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो सस्ता है यहाँ का, लेकिन अभी भाई हॉस्टल में पहुँचना है. बाकी बस ने भाई पूरा हिला दिया था, गड़ 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 गड़. अगर आपको मंगोलिया के अंदर बस से ट्रैवल करना है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आगे की सीट लेना, पीछे वाली मत लेना है, क्योंकि कई जगह कच्चे रास्ते आएंगे और जब कच्चे रास्ते आएंगे तब आपकी लेनी देनी हो जाएगी. Day for all of us, whether living in India or abroad. Today we are celebrating here in Mongolia.